Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि हमको WWE के रॉयल रंबल 2024 के प्रीमियम लाइव इवेंट में एक बहुत ही बड़ा मैच देखने वाला है फॉर द WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन लोगन पॉल वर्सेस द चैलेंजर द प्राइस फाइटर केविन ओवन्स। सो आज के इस फ्रेश एपिसोड में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कौन हमको पॉसिबली मैच में जीतते हुए दिखेगा और वर्कआउट करते दिखेगा एज द स्टिल और न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियंस होगा। इस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही बड़े वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, अभी फिलहाल गाइस ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं शायद गाइस हमको एक बहुत ही बड़ा टाइटल चेंज होते हुए दिख सकता है रॉयल रंबल में, जहां पे हमको केविन ओवेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि गाइस हमको पॉसिबली रेसलमेनिया 40 में जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का एक सिंगल्स मैच दिख सकता है। और गाइस मोस्ट प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यू मैच क्यों करेगा वो है कि गाइस लोगन पॉल है द मोस्ट सोशल मीडिया के बिगेस्ट स्टार और जॉन सीना तो डब्ल्यूडब्ल्यू को हमको पता ही है कितने बड़े स्टार है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ये मैच को कंसिडर करी है रेसलमेनिया 40 के लिए। हमको पता है कि लास्ट ईयर भी जॉन सीना यूएस चैंपियनशिप के मैच में जब भी हमको ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि जॉन सीना वो मैच हारने वाले हैं, इसलिए ये सेम मिस्टेक डब्ल्यूडब्ल्यू वाले गाइस ये साल रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए हमको पॉसिबली गाइस लोगन पॉल उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ड्रॉप करते हुए देख सकते हैं द प्राइस फाइटर केविन ओवेंस को रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट में, जिससे कि इनका नॉर्मल सिंगल्स मैच हो सकती है, इसलिए चांसेस अच्छे खास है कि वो केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यू के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए देख सकते हैं रॉयल रंबल 2024। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।